नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज विश्व एड्स टीकाकरण दिवस है। हर साल 18 मई को ये दिन मनाया जाता है। एड्स के टीकाकरण के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिन का आयोजन होता है। ये दिन इसलिए भी मनाया जाता है ताकि एड्स जैसी बीमारी के लिए टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को धन्यवाद दिया जा सके। जी हाँ, कोरोना वायरस जैसी बीमारी के लिए जहां अभी तक 100% सक्सेसफुल वैक्सीन नहीं बन पाई है और वैक्सीन बनाने में दिक्कतें आ रही हैं, उसी तरह एड्स की वैक्सीन बनने में भी बेहद समय लगा, तब जाकर इस जानलेवा बीमारी की वैक्सीन दुनिया को मिल पाई है। इसी वजह से इस दिन को टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को धन्यवाद करने के लिए मनाने की शुरुआत हुई। वैसे अभी भी असुरक्षित यौन संबंधों से होने वाली खतरनाक बीमारी HIV और एड्स को जड़ से खत्म करने के लिए वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। 1997 में 18 मई को मॉर्गन स्टेट यूनिवर्सिटी में अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भाषण दिया था। इसी के आधार पर विश्व एड्स टीकाकरण दिवस को मनाने का निर्णय लिया गया था। इस भाषण में ही उन्होंने आने वाले एक दशक में एड्स को टीके के जरिए से खत्म करने की बात कही थी। एड्स जैसी बीमारी का इलाज संभव है, लोगों को इस बात का विश्वास दिलाना बहुत जरूरी है और इसी वजह से इस दिन कई संस्थाएं चिकित्सक मिलकर लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। आज तक HIV की कोई दवा नहीं बनी है, लेकिन टीके के जरिए से इससे खुद का बचाव जरूर किया जा सकता है। विश्व एड्स दिवस 2021 की थीम वैश्विक एकजुटता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि HIV वायरस बड़ी तेजी से अपना रूप को बदल देता है, जबकि वैक्सीन वायरस के एक विशेष रूप को ही टारगेट बना सकती है। वायरस के रूप बदलते ही उस पर वैक्सीन का असर काम करना बंद कर देता है। ये सभी वजह हैं जिनके कारण आज तक HIV की वैक्सीन तैयार नहीं की जा सकी है, लेकिन जो वैक्सीन बनी है उस टीके से इससे खुद का बचाव जरूर किया जा सकता है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज।